सामाजिक संस्था लाइन्स क्लब द्वारा जनहित कार्यों को किए जाने का क्रम लगातार जारी है। इसी कड़ी में लाइन्स क्लब द्वारा हरियाणा श्रम विभाग के सहयोग से सुंदरपुर की झुग्गी झोपड़ियों में एक कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के लोगों जैसे कि प्लम्बर, दिहाड़ीदार मजदूर, रेहड़ी वाले इत्यादि का सर्वे किया गया था। इस कैंप में भारत सरकार की नई योजना के तहत ई श्रम कार्ड बनाए गए। इन ई श्रम कार्ड के माध्यम से इन लोगों को कई तरह की सरकारी सहायता प्राप्त हो सकेगी। लाइन्स क्लब के प्रधान अश्विनी अरोड़ा ने बताया कि लाइन्स क्लब द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से सुंदरपुर की झुग्गी झोपड़ियों में ये कैंप लगाया गया था ताकि असंगठित क्षेत्र के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। अब इन लोगों के ई श्रम कार्ड लाइन्स क्लब द्वारा बनवाए गए हैं, जो आज रविवार 30 जनवरी को सुंदरपुर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 21 दिहाड़ीदार मजदूरों को ये कार्ड भेंट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब इन ई श्रम कार्ड के माध्यम से इन लोगों को कई तरह की सरकारी सहायता प्राप्त हो सकेगी, जैसे कि एक्सीडेंट के केसों, कोरोना जैसी महामारी में आर्थिक मदद इन लोगों के सीधे बैंक खातों में जा सकेगी। उन्होंने बताया कि लाइन्स क्लब द्वारा ये प्रोजेक्ट ऐसे ही क्षेत्रों में लगातार जारी रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस नई सरकारी योजना का लाभ मिल सके। इस मौके पर लाइन्स क्लब के सचिव डॉक्टर JP केसरी और दीपक चिप भी मौजूद रहे।